भोपाल में कुत्तों के आतंक को लेकर पहली बार पेट लवर्स पर लीगल एक्शन हुआ है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकिता श्रीवास्तव ने इस मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों पर 3,000 का जुर्माना और अदालत उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे दंडनीय अपराध मानते हुए आरोपी बिंदु घाट पांडे, श्वेता मिश्रा और अंकित मिश्रा को सजा सुनाई। इन सभी पेट लवर्स पर सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज करने समेत कई आरोप थे। अदालत में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूरा मामला भोपाल के शाहपुरा के लक्ष्मी परिसर का था। यहां 27 दिसंबर को तीन लोगों को हिंसक कुत्तों ने काटा था। इसके बाद रहवासियों ने कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम अमले को बुलाया था। अमला जब शाहपुरा में आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंचा तो आरोपियों ने न सिर्फ इस कार्रवाई का विरोध किया बल्कि नगर निगम की टीम से अभद्रता करते हुए मारपीट भी की। इसके बाद पुलिस ने निगम अमले की शिकायत पर मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इसी केस की सुनवाई करते हुए भोपाल जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इस तरह के मामलों में पहली बार किसी कोर्ट ने सजा सुनाई है। पिछले एक महीने से भोपाल में हिंसक कुत्तों का आतंक चरम पर है। हर रोज 50 से ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने हिंसक कुत्तों के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे। इम्पॉर्टेंट है कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए जो है हम बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे और एज पर नॉर्म्स जो है सख्त से सख्त जो भी उसका निदान है वो करें। वहीं इस तरह के मामलों को लेकर हाल ही में एक कानून भी बनाया गया था। नए कानून के मुताबिक अगर आपका कुत्ता किसी को काट लेता है तो आपके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 291 के तहत केस रजिस्टर किया जा सकता है। इसमें 6 महीने की जेल या 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें जेल और जुर्माना दोनों सजाएं भी आपको हो सकती हैं।